हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय डेली कुकिंग वॉक। आज मैं हेल्दी रेसिपी लेके आ गई हूँ। हेल्दी रेसिपी में मैंने रोस्टेड चने का सलाद बनाया है। उसके लिए मैंने खीरा लिया है, खीरे को अच्छे से पील कर लिया है, उसकी सारी स्किन निकाल लेनी है और इस हिसाब से 2-3 लंबे लंबे लच्छे ककुम्बर के निकाल लेने। उसी हिसाब से हमें भी गाजर भी पील कर लेनी है, सारा उसके छिलके उतार देने और इसके अंदर से भी हमें 2-3 पतली पतली लेयर वाली पट्टी चाहिए। उस डेकोरेशन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। इससे हम 2-3 पट्टियाँ ले लेंगे। फिर ककुम्बर को है हमें स्क्वायर में कट करना है, डाइस करना है। बड़े पीसेस भी नहीं काटने और छोटे पीसेस भी नहीं काटने, मीडियम पीसेस काटने जिसका उसका क्रंचीनेस और फ्रेशनेस खाते समय हमें फील हो। और इस ककुम्बर में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है। इस तरह से डाइस कर लीजिए और एक साइड में प्लेट है, प्लेट में निकाल लीजिए सारे ककुम्बर डाइस किए हुए। उसी हिसाब से गाजर की जो शेप है हम थोड़ी डिफरेंट कट करेंगे। गाजर को हम थोड़ी लंबी लंबी पट्टियाँ में काटेंगे, इस तरह से लंबी लंबी, क्योंकि उसमें जो क्रंचीनेस स्वीटनेस जो होता है और उसके पोषक तत्व जो होते हैं हमें अच्छी तरह से, अगर डाइस करेंगे तो इसको थोड़ा चबाना ज़्यादा पड़ेगा। अलग अलग शेप में काटेंगे तो सलाद दिखने में अच्छा और टेम्पटिंग भी लगेगा। इस तरह से गाजर कट करने के बाद साइड में रख दीजिए। उसके बाद मैंने लिया है कैप्सिकम। कैप्सिकम को हमें छोटे छोटे डाइस क्यूब में काटना है, ना बड़े काटना है ना छोटी काटना है, एकदम छोटे, क्योंकि खाने के टाइम पे हमें उसका जो क्रंचीनेस और थोड़ा स्वीटनेस और जो तीखापन होता है वो हमें फील हो, इसीलिए इसको छोटे छोटे पीसेस में काट के रख दीजिए। फिर मैंने 3-4 चेरी टमाटर लिए। चेरी टमाटर को इस तरह से काटना है कि दोनों साइड के जो पीसीस है एक दूसरे से चिपक के रहे, इस तरह से काट देने हैं चेरी टमाटर। सारे चेरी टमाटर कट गए हम, वह उसको भी प्लेट में रख देंगे। आप जो चाहे वो सारी वेजीज ऐड कर सकते हैं। मैंने फिर लेक्टस लिया है, लेक्टस के 2 पत्ते लिए और इस हिसाब से फोल्ड करके पतले पतले लंबे लंबे नूडल्स टाइप इसके स्ट्राइप कट किए हैं, क्योंकि वो देखने में और क्रंचीनेस में और इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा अलग ही आता है, खाने में मज़ा आता है। इस तरह से नूडल्स की स्टाइल में इसको हमें कट करना है। फिर मैंने थोड़ा हरा धनिया लिया है, डंठल के साथ लेना है क्योंकि डंठल में भी सारे पोषक तत्व और जो टेस्ट होता है वो हरे धनिया के पत्ते से ज़्यादा उसकी डंठल में होता है। इस तरह से हमें बारीक चॉप कर लेना है, उसको भी हमें इसमें डाल देना है। उसके बाद मैंने थोड़ा रोस्टेड चना लिया था, वो रोस्टेड चना डालिए और मैंने एक नींबू की स्लाइस रखी है। फिर नमक, चाट मसाला ऐड करना है, अगर आप तीखा बन चाहते हैं तो थोड़ा आप लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर नींबू डाला है, फिर ये सारे जो वेजीज हमने कट किए थे वो सब मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए एक बड़ी सी प्लेट में। 2 चम्मच की मदद से उसको ऊपर नीचे हिलाते हुए मिक्स कर दिए है और अपना सलाद बन के रेडी हो गया है। इसकी खुशबू और फ्रेशनेस जो फील होती है बनाते टाइम, ऐसा लग रहा है आज ही हम हेल्दी खाएंगे और 1-2 किलो वजन कम कर देंगे। फिर हमने जो ककुम्बर के पतले पतले लंबे स्लाइस कट किए थे उसको इस तरह से रोल करके रोज के शेप में हमें 2 टमाटर के साथ लगा देने हैं। और इस हिसाब से हमने जो गाजर के कट किए थे उसको भी इस तरह से रोल करके बीच में डेकोरेशन के लगा दीजिए। अगर खाना जितना देखने में अच्छा और खुशबू में अच्छा होगा उतना ही खाने में मज़ा आएगा। ये सलाद खा के मैं एकदम हेल्दी और साथ में आसमान पे हूँ ऐसे फील कर रही थी कि जैसे 1-2 किलो वज़न तो आज ही कम हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। और आप बताइए आपको मुझे मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, हेल्दी वीडियो अच्छे लगते हैं क्या?